एससी ने लगाई रोक। क्या अब नहीं चलेगा बुलडोजर? दंगाइयों से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम भी अब यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की राह पर है। आज जहांगीरपुरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश आ गया है। जहांगीरपुरी में लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के आदेश आ गए। गुरुवार तक कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आने के बाद भी बुलडोजर एक्शन रोका नहीं गया। लोगों की दुकानों और मकानों को लगातार तोड़ने का काम जारी रहा। बुलडोजर चलाने पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं, इसलिए लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण और अवैध निर्माण गिराने का काम रोका नहीं गया। फिलहाल जहांगीरपुरी के SHO और MCD तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंच चुका है, जिसके बाद बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य राज्यों को लेकर है, जहां हिंसा की घटना के बाद कई लोगों के घर दुकानों पर बुलडोजर चला। इसके अलावा दूसरी याचिका जहांगीरपुरी में MCD के खिलाफ दायर की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी अभी कुछ दिनों तक वहाँ पर बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है। इस दौरान MCD पूरे एक्शन मोड में दिखाई दी। बता दें कि जहांगीरपुरी में पुलिस को 14 टीमों में बांटा गया है। हर टीम में पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी और दिल्ली पुलिस के 50 जवान तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स समेत करीब 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हिंसाग्रस्त इलाके जहांगीरपुरी में तैनात किए गए। निगम बुलडोजर चलाने के इस फैसले के बाद सुबह से ही जहांगीरपुरी में हलचल भरा माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में अब बुलडोजर से एक्शन लेने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा में लिप्त आरोपियों के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी, जिसके बाद अब जहांगीरपुरी में बुधवार और बृहस्पतिवार दो दिन अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद निगम प्रशासन ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी बीच बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कोयले की कमी से संभावित बिजली संकट का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को सलाह दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 8 साल की बड़ी बातों का परिणाम है कि भारत के पास 8 दिनों का कोयला बचा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, बिजली कटौती से छोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र की मोदी सरकार को नफरत के बुलडोजर से ध्यान हटाकर पावर प्लांट पर लगाने को कहा है, जिससे देश में बिजली संकट ना हो। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने 20 और 21 अप्रैल को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बुधवार की सुबह बुलडोजर लेकर निगम प्रशासन के कर्मचारी कार्रवाई करने पहुंचे। कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नफरत के बुलडोजर की जगह कोयला संकट दूर करने की सलाह दी। दरअसल देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब और महाराष्ट्र में कोयला की कमी हो गई है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने निशाना साधा है। बताते चले कि हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
इस मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने अपनी बातें कही। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार को बिजली संकट पर ध्यान देने की सलाह दे डाली। मनोरंजन जगत से एक दुख भरी खबर सामने आई है। दिग्गज निर्देशक तातिनेनी रामा राव यानी टी रामा राव का मंगलवार की रात निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज होगा। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म अंधा कानून और हिंदी सिनेमा की मशहूर बायोपिक नाचे मयूरी बनाने वाले निर्देशक टी रामा राव का चेन्नई में निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। आयु संबंधित बीमारियों के चलते उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका बुधवार तड़के निधन हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना एक बयान जारी करके दी है। टी रामा राव का अंतिम संस्कार बुधवार शाम चेन्नई में होगा। टी रामा राव ने 1966 और 2000 के बीच कई हिंदी और तेलुगु फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्होंने 1950 के अंत में अपने चचेरे भाई तातिनेनी प्रकाश राव और कोटैया प्रत्यागत्मा के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। निर्देशक टी रामा राव और जयाप्रदा अभिनीत 1977 में आई ब्लॉकबस्टर यमगोला उनकी सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है। उनकी अन्य लोकप्रिय तेलुगु फिल्मों में जीवन तरंगल, अनुराग देवता और पचानी कपूरम शामिल है। रामा राव ने 1979 में हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया और अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, संजय दत्त, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और गोविंदा के साथ काम किया। उन्होंने ही रजनीकांत को फिल्म अंधा कानून से हिंदी सिनेमा में प्रवेश दिलाया था। अंधा कानून, एक ही भूल, मुझे इंसाफ चाहिए और नाचे मयूरी, हथकड़ी, दोस्ती दुश्मनी उनकी कुछ उल्लेखनीय हिंदी फिल्में हैं। अनुपम खेर ने रामा राव के निधन पर ट्वीट कर अपना दुख जताया। उन्होंने लिखा कि फिल्म निर्माता और प्रिय मित्र टी रामा राव के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मुझे उनके साथ आखिरी रास्ता और संसार में काम करने का सौभाग्य मिला था। वो दयालु, आज्ञाकारी और बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। दक्षिण की फिल्में और दक्षिण के कलाकारों ने हमेशा हिंदी फिल्मों के दर्शकों को भी अपनी तरफ खींचा है। रजनीकांत की लोकप्रियता जितनी दक्षिण की फिल्मों में है, उतनी भारतीय फिल्मों में भी है। इसी तरह से टी रामा राव की फिल्मों को भी हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने जमकर पसंद किया। यही वजह है कि एक समय बैक टू बैक टी रामा राव ने कई हिट फिल्में हिंदी सिनेमा के दर्शकों को भी दी। हालांकि उनका ज्यादातर करियर दक्षिण की फिल्मों में बीता और वो दक्षिण के सबसे प्रिय निर्देशकों में से एक रहे हैं। दक्षिण की फिल्में आज बॉलीवुड में जमकर चल रही हैं, चाहे बाहुबली हो, RRR हो या KGF के दोनों चैप्टर हो, इन फिल्मों ने जमकर धमाल मचाया है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत पहले से ही दक्षिण की फिल्मों और दक्षिण के कलाकारों के साथ साथ वहां के निर्देशकों का जलवा बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा के दर्शकों पर चलता रहा है और टी रामा राव उनमें सबसे बड़ा नाम थे। दुनिया को आतंकित करने वाले जर्मनी के सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर एडोल्फ हिटलर का जन्म आज के दिन 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1939 में उसके 5वें जन्मदिन को जर्मनी के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे, जिनके सामने पूरा विश्व कांपता था। अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक संकट से जूझने के बाद आज के दिन 20 अप्रैल 1972 में चंद्रमा पर उतर गया था। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यू की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी थी। अपोलो 16 5वां मिशन था, जिससे इंसान को चांद पर उतारा गया और वापस धरती पर लाया गया था। 90 के दशक की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का जन्म आज के दिन 20 अप्रैल 1972 में मुंबई में हुआ था। ममता ने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन पहचान बना ली थी और कई हिट फिल्में कर दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी थी। हालांकि बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब ममता कुलकर्णी साध्वी बन चुकी हैं। भारत में जन्मे इंद्र कुमार गुजराल ने देश के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद की शपथ आज के दिन 20 अप्रैल 1997 में ली थी। हालांकि मई 1998 में उनकी सरकार गिरा दी गई थी।
बहुचर्चित राजनीतिज्ञ होने के साथ गुजराल एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।